संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को लेकर विवादों में जल रहे देश के बीच इसे 25 जनवरी को रिलीज कर दिया गया है। पैड प्रीमियर शोज के बाद फिल्म को लेकर आ रहे रिव्यू काफी मजेदार हैं। कई लोग फिल्म को बेहतरीन पीस बता रहे हैं तो कुछ फिल्म की कहानी को पूरी तरह से काल्पनिक बता रहे हैं। इसी बीच कलाकारों के अभिनय की बात की जाए तो राजा रतन सिंह रावल के किरदार में शाहिद कपूर को खिलजी बने रणवीर सिंह से कड़ी टक्कर मिली है। राजा बनकर भी शाहिद का हाल 28 साल पहले आई फिल्म डर के सनी देओल की तरह हो गया है। नवंबर 2016 में फिल्म पद्मावत की शूटिंग शुरू हुई थी, तब से लेकर अभी तक ये फिल्म इतिहास को लेकर विवादों में है। फिल्म रणवीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी के रोल में तो मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की भूमिका शाहिद कपूर ने निभाई है। वैसे साल 1993 में आई फिल्म डर में सनी देओल हीरो थे और फिल्म में सेकंड लीड में शाहरुख खान थे। उन दिनों शाहरुख खान नेगेटिव रोल में काफी फेमस हो गए थे। फिल्म में जूही किशन के आशिक के रोल में जो कमाल शाहरुख ने किया वो हीरो बनकर भी सनी नहीं कर पाए थे। फिल्म हिट रही थी और शाहरुख खान सुपरहिट हो गए थे। शाहरुख को अपने इस रोल के लिए उस साल का बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर भी मिला था। फिल्म में अपने रोल से लड़कियों के दिल में इज्जत पैदा करने वाले शाहरुख असली हीरो बनकर सामने आए थे। वहीं सनी फिल्म के हीरो तो बने लेकिन फैंस के बीच कुछ खास फेमस नहीं हो पाए। न्यूज रूम से फिल्म अड्डा की रिपोर्ट।